तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम यू टू टेक्निकल बुलचाल। और मैं आज आपका होस्ट बात करने वाला हूँ फ्यूचर ग्रुप से जुड़ी हुई न्यूज़ के बारे में कि अब क्या चल रहा है अमेज़ॉन, रिलायंस और फ्यूचर के बारे में। क्या कोई प्रेडिक्शन लगाया जा सकता है और आगे क्या होने वाला है? क्या फ्यूचर ग्रुप में हमको फिर से एक तेज़ी देखने मिल सकती है? इसमें फ्यूचर ग्रुप को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है क्या? उसके शेयर होल्डर को बहुत ज़्यादा या हमको प्रॉफिट देखने मिल सकता है? और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है? लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ चाहूंगा, आप चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करो? फटाफट से जो चैनल दिख रहा है टेक्निकल बुल, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत प्रीशियस चैनल है। और जो बेल आइकन दिख रहा है इस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहे कि आपको आने वाले टाइम में क्या करना है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है फ्यूचर ग्रुप से रिलेटेड। आप यहाँ देख सकते हैं जेफ बेजोस एंड मुकेश अंबानी लीगल बैटल, अ पॉसिबल वर्डिक्ट ऑन मंडे विल डिसाइड द फेट ऑफ रिलायंस एंड फ्यूचर रिटेल ग्रुप। अब ये जो वर्डिक्ट निकलने वाला है मंडे को डिसाइड करेगा फ्यूचर रिटेल और इसके डील के बारे में। देखो तो कितना खुश है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या इसमें निकल के आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द आर्बिट्रेशन प्रोसीडियर बिटवीन द अमेज़ॉन एंड किशोर बियानी हैज़ बिगन इन सिंगापुर। सिंगापुर में ये स्टार्ट हो चुका है। वहीं आगे बात करें, फॉर्मर अटर्नी जनरल वी के राजन कंक्लूडेड द आर्बिट्रेशन हियरिंग ऑन फ्राइडे अक्टूबर 16 एंड विल डिलीवर हिज रूलिंग ऑन बिफोर मंडे ऑन 26 अक्टूबर। सो सर, आप देख सकते हैं ये जो हो गया ये हुआ है 16 अक्टूबर को। अभी मंडे को रिजल्ट बताएंगे क्या रिजल्ट आया है। राजन द फॉर्मर अटॉर्नी जनरल ऑफ सिंगापुर इस सॉल आर्बिट्रेशन ऑफ अमेजॉन वर्सेस फ्यूचर वर्सेस रिलायंस आर्बिट्रेशन मैटर। अब वहीं आगे बात करें कि क्या इसका आने वाला फ्यूचर हो सकता है, तो उससे पहले देख लेते और थोड़ी नज़र बनाते क्या है। एन एमरजेंसी हियरिंग ऑफ द आर्बिट्रेशन टुक प्लेस इन द सिंगापुर ऑन फ्राइडे। हरीश सालवे अपीयर्ड एज अ फ्यूचर रिटेल बींग एक्वायर्ड बाय द RIL। तो हरीश सालवे जो थे उनने प्रेजेंट किया और वहीं देवेंद्र सिंह जो थे वो थे फ्यूचर कूपन की तरफ से होल्डिंग ऑफ द कंपनी। गोपाल सुब्रमण्यम फॉर्मर सॉलिटेटर जनरल ऑफ इंडिया अपीयर्ड फॉर अमेजॉन। तो आप देख सकते हैं गोपाल सुब्रमण्यम जो थे वो अमेजॉन की तरफ से आए थे। वहीं आगे बात करें, आगे इसमें क्या, द हियरिंग इज सेट टू हैव लास्टेड फॉर 5 घंटे के लिए हियरिंग चली थी। वी के राजन सेट दैट वुड डिलीवर हिज जजमेंट ऑन बिफोर मंडे। तो आप देख सकते हैं मंडे तक जजमेंट आ सकता है फ्यूचर के इसमें। और वहीं आगे बात करें, That judgment will evenly decide the fate of Reliance and Future Group. Amazon invested in FCPL is around 1,500 crore, which is insignificant amount of Jeff Bezos, the richest man and the CEO of the Amazon. तो Jeff Bezos के लिए इतना ज़्यादा फिकर की बात नहीं, उनके पास तो बहुत ही पैसा है। उनने बहुत छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो इंडिया का रिटेल मार्केट छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए उनने केस कर दिया है। अब वहीं आगे बात करें, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट अमेजॉन लीगल सालवे एट फ्यूचर इज इनडायरेक्टली एम टू थ्रॉट रिलायंस अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश इस लीडरशिप पोजिशन इन इंडियन रिटेल सेक्टर। तो वही जो मैं बोल रहा, अमेजॉन इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए अमेजॉन ट्राई किए जा रहा है कि वो फ्यूचर रिटेल को कैसे भी हाथ में लेकर रखेगा। फ्यूचर रिटेल आ गया रिलायंस के हाथ में तो 40% इंडियन मार्केट कैप्चर हो सकता है रिलायंस के द्वारा। और अमेजॉन जो इतनी बड़ी कंपनी, वो नहीं चाहे कि इतना बड़ा मार्केट एक आदमी के द्वारा, रिलायंस के द्वारा 40% इंडियन मार्केट कैप्चर कर लिया जाए। FDI पॉलिसीज के हिसाब से अमेजॉन इतना एंटर नहीं कर पा रहे मार्केट में, लेकिन वो सोच रहे जब कभी ना कभी FDI पॉलिसीज चेंज होगी और कभी ना कभी अमेजॉन के हित में FDI पॉलिसी बनेगी तब वो एंट्री करेगा। लेकिन अगर उससे पहले ही रिलायंस ने मार्केट ख़त्म कर दिया तो अमेज़ॉन को एंट्री लेने में बहुत हार्ड पड़ जाएगा, इसलिए वो अभी से ट्राई करा ऐसा कुछ ना हो जाए उसके फ्यूचर के लिए। तो आप देख सकते हैं एक आदमी अपने फ्यूचर के लिए कितने ट्राई कर रहा है। एनालिस्ट सी द वॉर बिटवीन द रिचेस्ट मैन जेफ बेज़ोस हैविंग नेटवर्थ 204.6 बिलियन एंड इंडियन रिचेस्ट मुकेश अंबानी $88.4 मिलियन ओवर द इंडियन रिटेल सेक्टर। तो आप देख सकते हैं कि ये दो एकदम हाई पोजिशन वाले आदमी के बीच में हो रहा है। मुकेश अंबानी तो शायद अभी वर्ल्ड में 5th पे। आप मेरे को कमेंट में बताएं मुकेश अंबानी किस नंबर
नंबर पे जेफ बिजोस तो फर्स्ट पे, मुकेश अंबानी रिचेस्ट में से किस पे आते हैं मेरे ख्याल से तो फिफ्थ में, आप कमेंट में बताइए। और क्या आपको लगता है इस डील से क्या एक बहुत बड़ा अभी इफेक्ट देखना बाकी है, क्या शेयर प्राइस में क्या होने वाला? तो चलिए अब टेक्निकल इंडिकेटर की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ देखते हैं कि शेयर प्राइस में कैसा इफेक्ट आपको देखने मिल सकता है। इससे पहले थोड़ा डाटा पे नज़र बनाते हैं कि फ्यूचर कंज्यूमर में अभी तक हुआ क्या। आप जैसे देख रहे हैं फ्यूचर कंज्यूमर के हम लोग NSE पे आ गए, आज यहाँ पे हमको वैल्यू अप जाते हुए दिखा है। और आप यहाँ देखेंगे अपर सर्किट की तरफ बढ़ गए, बायर्स बहुत ज़्यादा और सेलर्स आपको यहाँ दिख नहीं रहे होंगे। अगर आज मैं इसकी बात करूँ, आज ये ओपन हुआ था 7.1, फिर मार्केट ने इसको हल्का सा गिराने की कोशिश की, 7.05 का लेवल जैसे आया था, फिर मार्केट में ऐसी तेज़ी यहाँ हमको देखी कि 7.5 तक को इसने टच कर दिया। अभी आप देख सकते 7.5% तक इसने टच कर दिया है। तो क्या हम लोग को फ्यूचर कंज्यूमर में एक बूम फिर से देखने मिल रहा है या एक ब्लफ है, आगे देखेंगे। उससे पहले आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं फ्यूचर कंज्यूमर में चल क्या रहा है। और उससे पहले आज मैं बात करूं, आज हर जगह फ्यूचर के वैल्यू अप जाते दिखे, चाहे आप एंटरप्राइज मान ले, रिटेल मान ले, कंज्यूमर मान ले, मार्केट मान ले, फैशन लिमिटेड मान ले, तो हर जगह आज हमको वैल्यू अप जाते हुए दिखी है। और आज फ्यूचर कंज्यूमर में डिलीवरी भी अच्छी खासी ली गई है, तो देखते हैं डिलीवरी कितनी ली गई है। आप देख सकते 48% तक की आज डिलीवरी देखने मिली है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हो जा रही है। और सॉरी इसके लिए गलती से मैं फ़ोटो क्लिक कर दिया था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हो जा रही फ्यूचर कंज्यूमर के होल्डर्स के लिए। लेकिन ये हो सकता है कि इधर ऑपरेटर गेम आपको देखने मिल सके, और या फिर कोई इंटरनल पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आगे डील के रिलेटेड, जो इस समय कंपनी के टॉप जो लोग हैं उनको ही पता, और उन लोग ही ये खरीद रहे हैं। जैसा लास्ट टाइम हुआ था, डील के पहले बहुत तेज़ी मार्केट में दिखी थी और डील के बाद उसको डंप किया गया, तो हो सकता है इस बार भी दिखे। लेकिन उससे पहले हम लोग चलिए बढ़ते टेक्निकल इंडिकेटर की तरफ और देखते वहाँ क्या चल रहा है। तो वो अब आ गए टेक्निकल इंडिकेटर तो जैसा मैंने आपको पहले से बताया कि ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह सर्वाइव कर रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस को अपने ब्रेक नहीं कर पाया। आज हमको इसका रेजिस्टेंस भी ब्रेक होते दिखा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। तो हो सकता है आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से आपको फ्यूचर कंज्यूमर ऊपर जाते दिखे। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको फ्रेश एंट्री लेनी है तो फ्रेश एंट्री ज़रूर से लेना, लेकिन वहाँ पर अपना स्टॉप लॉस ज़रूर से बरकरार रख के चलना, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे और मार्केट गिरा फिर से पिछली करें तो हो सकता है आपको एक बड़ा लॉस है। आपको फ्रेश एंट्री लेनी ले सकते, लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे ज़रूर से बरकरार रखकर चलना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे फिर से ऑपरेटर लोग आ गए हैं या यहाँ पे कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही जो कंपनी के टॉप लोगों को ही पता है। तो देखते हैं अभी थोड़े दिनों में क्या होने वाला है, और ये मार्केट में आपको बहुत तेज़ी आते देखने मिल सकती है। तो आप फ्रेश एंट्री लेना ले सकते, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर से बरकरार रखकर चलना, कहीं लास्ट टाइम जैसा ना हो जाए कि वैल्यू आपकी बहुत गिर जाए और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाए। वहीं आगे बात करूं इसके RSI की, तो वो भी इतना कुछ खास नहीं, नॉर्मल जैसा चलना चाहिए वैसा चल रहा है, और इधर थोड़ा ठीक चल रहा है। अभी रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया तो थोड़ा तो फ्यूचर कंज्यूमर अच्छा कर रहा है, लेकिन अब आपको मार्केट पर नज़र बना के रखना है। और अगर आपको 15-20% का प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट एग्जिट ले जाइए यहाँ से, क्योंकि अभी रिस्की हो गया। आपको न्यूज़ पर ज़रूर से नज़र बना के रखना है, क्योंकि न्यूज़ ओरिएंटेड स्टॉक हो चुका है। पॉजिटिव न्यूज़ आई तो मार्केट ऊपर, नेगेटिव न्यूज़ आई मार्केट नीचे। अब यहाँ पर ऐसा चल रहा है तो आपको न्यूज़ पर नज़र बना के रखना है एकदम तेज़ी से, और हमेशा एनालाइज़ करते रहना और मार्केट पर नज़र बना के रखना है। ऐसा नहीं कि स्टॉक को छोड़ दिए और आके देखे तो वैल्यू नीचे गिरी हुई। तो आपको मार्केट पर नज़र बनाना है, और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो सपोज़ कीजिए आपके पास 7 लाख रुपये, तो उसको 7 पार्ट्स में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे 1 लाख 1 लाख 1 लाख ऐसे इन्वेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तब तो अच्छा ही है, लेकिन अगर नीचे जा रहा है तो आपका एवरेज आउट के लिए भी काम आ जाएगा। लेकिन अगर ये एवरेज आउट आपका स्टॉप लॉस के इधर पहुंच गया तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ इसमें और इन्वेस्ट मत करना, प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। ये थोड़ा सा डाटा पे नज़र बना लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आ गए फ्यूचर रिटेल के NSE पे, और यहाँ आज हमको आज वैल्यू अप जाते हुए दिखी है। उस सुबह तो और अप गई थी, अभी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि आपको यहाँ दिख रहा हो कि सेलर्स बढ़ गए हैं और इन लोग बायर्स को दबाना चाह रहे हैं, और बायर्स अब दबते जा रहे हैं थोड़ा। आज की अगर बात करूँ मैं तो आज ये 74.8 रुपीज़ पर ओपन हुआ था, वहीं आज ये लो 74.1 का लेवल टच करके आया है, और हाई आज इसने 76 का मारा है, और ये अभी भी रनिंग मार्केट पे चल रहा है। हो सकता है जब आपके पास ऐसा तभी थोड़ा डाटा चेंज हो, लेकिन आज अभी तक मार्केट में ओवरव्यू यही रहा। आज यहाँ पे हमको एक अच्छी वॉल्यूम ट्रेड होते दिखी, और डिलीवरी रेशो आज बहुत ज़्यादा हमको देखने मिला, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ हो जा रहा है फ्यूचर रिटेल के होल्डर्स के लिए। लेकिन आप टेक्निकल इंडिकेटर में देखना, हम लोग एक चीज़ बताएंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर तो उसे ज़रूरी देखना,
देखना। वैसे वीडियो एंड तक देखना क्योंकि अगर आपका फ्यूचर रिटेल में शेयर है तो आपको वीडियो एंड तक देखना मस्ट वॉच हो जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग ने देखा सिर्फ फ्यूचर रिटेल नहीं, बहुत सारी जगह देख रहे हैं, एंटरप्राइज में अपर सर्किट मार दिया, फ्यूचर रिटेल में नहीं मारा है, कंज्यूमर में अपर सर्किट, फैशन में अपर सर्किट, यहाँ भी लाइफस्टाइल में भी अपर सर्किट की तरफ बढ़ रहा है। तो आप देख रहे हैं ये क्या आपको पुराने दिन जैसा नहीं लग रहा है? हो सकता है यहाँ पर आपको एक बड़ा ऑपरेटर गेम कभी भी देखने मिल सकता है या फिर कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो इंटरनल न्यूज़ फैल रही है, इस दो कारण की वजह से ये हो रहा है। अगर आप इसमें पोजिशन बना के रखें तो एकदम सतर्क रहिएगा। और वहीं आगे बात करूँ फ्यूचर रिटेल, तो आपको यहाँ दिख सकता है कि डिलीवरी रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये कुछ ऐसा दे रहा है कि मार्केट में शायद इंटरनल कोई पॉजिटिव न्यूज़ है या वापस से एक ऑपरेटर गेम यहाँ आपको देखने मिल सकता है। ये दो में से कोई एक चीज़ हो सकता है, हो तो यही होना चाहिए क्योंकि एक पॉजिटिव चीज़ बन जाएगा फ्यूचर रिटेल के होल्डर्स के लिए। तो वही अगर मैं आगे बात करूँ फ्यूचर रिटेल में, आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर इसने बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपना तोड़ के आज ऊपर आते हुए देखा है और इसमें शायद तक ऑपरेटर गेम अब आपको देखने मिल सकता है। लेकिन उससे पहले रुक जाइए, कोई पॉजिटिव इंटरनल न्यूज़ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑपरेटर गेम हो सकता है। ये अपना पुराना जो सपोर्ट था उस पर तो बरकरार रखा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो इसका बरकरार था, इसने आज अपना रेजिस्टेंस भी देखा, तो हो सकता है आने टाइम में बहुत अच्छे से आपको ऊपर जाते हुए दिख सकता है और इसमें बहुत तेज़ी देखने मिल सकता है। तो आप इसमें इन्वेस्ट फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, लेकिन मार्केट पर ज़रूर से नज़र बनाए रखना न्यूज़ पर खास करके, क्योंकि ये स्टॉक जो है न्यूज़ ओरिएंटेड बन चुका है जिससे आपको एक बहुत बड़ा लॉस होने से बच सकते हो अगर आप मार्केट पे नज़र बनाकर रखोगे। तो मेरी राय यह है कि आप फ्रेश एंट्री लीजिए और स्टॉप लॉस एकदम कड़क से बरकरार रख के चलिए अपने रिस्क टेकिंग कैपेसिटी से, लेकिन आप यहाँ पे एंट्री ज़रूर से लेना क्योंकि आपको एक बहुत पॉजिटिव चीज़ देखने मिल सकता है, स्टॉप लॉस ज़रूर, ये एक पॉइंट ध्यान देखना। और मार्केट के न्यूज़ पर बहुत ध्यान देना क्योंकि ये न्यूज़ ओरिएंटेड स्टॉक हो सकता है। हम लोग जैसा पास्ट में देख चुका है, पास्ट में एक बार गलती आपने कर चुका है, वापस से मत करना। और आपको यहाँ पे अगर 5 से 10% का एक प्रॉफिट देखने मिल रहा है, 10 से 15% का, तो आप मार्केट से डायरेक्ट एग्जिट कर जाना और सारा पैसा एक साथ मत लगाना। जैसे आपके पास सपोज चीज़ 7 लाख रुपीज़ है तो उसको पार्ट बाय पार्ट में लगाना, 7 टुकड़ों में एक साथ लगाओ तो हो सकता है प्रॉब्लम देखने मिल जाए। और वहीं अगर इसकी बात करूँ इसके RSI की, तो वो इतना अभी कुछ खास नहीं दिख रहा है, इधर बहुत लेकिन वॉल्यूम ट्रेड हो रही है। और आगे बात करूँ कि आपको इसमें आगे क्या करना चाहिए, तो आपको जैसे सर मैंने बताया 7 लाख का पार्ट्स में लगाना चाहिए। जैसे आपके पास 7 लाख है तो बार बार 1 लाख 1 लाख 1 लाख इस वे में आपको लगाना है, ऐसा नहीं कि 7 लाख एक साथ लगा दें, क्योंकि इसका बेनिफिट ये हो जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको तो प्रॉफिट हो ही रहा है, अगर नीचे गया तो हो सकता है आपके एवरेज आउट पर आए, लेकिन अगर स्टॉप लॉस के आसपास पहुँच गया तो मार्केट से एग्जिट लेने में आपकी भलाई रहेगी। हमें आपसे एक शिकायत है कि आप चैनल पे तो आते हैं, वीडियो पूरा देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? जो सब्सक्राइब वाला बटन है आपको सिर्फ ये दबाना है, और हमको अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब वाला बटन दबाते हैं और हमारी टीम भी खुश होती है कि सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हमको भी अच्छा लगे, आपको जो हम लोग वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो आपको फ्यूचर में मिलते रहे। इसलिए बोल रहे हैं जो सब्सक्राइब वाला बटन है इसको दबा लो, मिस मत करो, जो बेल आइकन है इस पर भी क्लिक कर दो और इसको इसके जैसा कर दो ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहो। चलिए तब तक के लिए मैं लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।